गुड मॉर्निंग क्लास, टुडेज लेसन नेम इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन? द फैक्ट ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विद पीपल बीइंग इंक्लूडेड इन समथिंग, अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। नाउ डिस्क्रिमिनेशन, द वे विच वी बिहेव in with some people in worst way on the basis of age, sex, caste, place of living, religion, which they are not supposed to be behaved by us, is known as discrimination. So for example of diversity in India, there are 8 major religions involved and followers of all these religions are found in India. There are more than 1600 languages, even more dialect being spoken in India. There are more than 100 dance forms in India. There are many styles of mural paintings in different parts of India. Now, what is prejudice? When someone judges another person in a negative way, it's called prejudice. Purvagrah. People often have certain prejudices about other people who may appear different. The difference can be in the form of facial feature, accent, eating habit or costumes. There is a normal human nature that we feel comfortable in group of people who appear like us and behave like us, who tend to feel uncomfortable in the group of people who may not appear like us. बच्चों अधिकतर ऐसा होता है, जो हमारी तरह बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, हमें वो अपने जैसे दिखते हैं। सिंस इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन लुक इंटायरली डिफरेंट। दे आर नॉट ओनली डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस बट ऑल्सो इन ईटिंग हैबिट, एसेंट एंड कॉस्ट्यूम्स। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिसेस विच हैपन बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। तो दुनिया इंडिया में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम अलग ही दिखते हैं, अलग ही खाते हैं, अलग ही पहनावा ओढ़ते हैं, पहनते हैं, जो हमसे भिन्न होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है इंडिया की, इसी वजह से उनके साथ गलत व्यवहार होता है। ये हमारा प्रिजुडिस है कि वो हमसे एकदम अलग हैं। When a person from North East roams in Delhi, he or she is often looked down by local people. You often read in newspaper about people from North East being harassed in Delhi or even in Bangalore. A person from South India is often called Madrasi when he goes to north part of the country. A person from Bihar is usually considered as less intelligent and is subject to of ridicule in most of the metropolitan cities of India. A person from rural area is considered to be illiterate, unhygienic and unsophisticated. गांव से जो कोई आदमी आता है तो शहर वाले उसको अनपढ़, गवार, जाहिल समझते हैं, उसे गंदा मानते हैं, सोचते हैं अनहाइजीनिक है, ये बेकार आदमी है, बहुत गंदा ऐसे रहता है। ये सब प्रिजुडिस बनी हुई है, तो ये गलत है। अ पर्सन फ्रॉम अर्बन एरिया इज कंसिडर्ड टू बी ग्रीडी एंड कनिंग। पीपल थिंक दैट सिटी ड्वेलर डज नॉट हैव रेस्पेक्ट फॉर पर्सनल रिलेशनशिप। गांव वालों के दिमाग में ये भी बैठा है, शहर वाले बहुत चालू हैं, बहुत धूर्त हैं, बहुत लालची होते हैं, इनके यहाँ रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है। दिस ऑल आर प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह। इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रिजुडिस आर हार्मलेस, but in some cases our prejudice behavior may turn to be harmful for the person at the receiving end. For example, when you do not behave properly with a person because of our prejudice, it can be very bad for self respect of that person. तो ये अक्सर हो जाता है जब हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसे व्यवहार होते हैं। कभी बाहरी हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। खैर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ डाइवर्स ट्रेडिशन है, फूड है, कस्टम है, सब डाइवर्सिटी है। तो इस वजह से प्रिजुडिस बना करके हमको कभी भी गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज फॉर दिस टाइम, आगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।